गए हैं। बाघा बॉर्डर, ये देखो फुल जोश में है, कैप ले ली है इसने, फ्लैग ले लिया है। एंड अब चलते हैं हम परेड देखने के लिए। पीछे मम्मी आ रही है, आगे पापा जा रहे हैं, एंड अमन को हम कॉलेज में ही छोड़ के आए हैं। तो चलिए चलते हैं परेड देखते हैं। एंड हमने अंदर एंट्री कर ली है क्योंकि एंट्री 5 बजे तक ही होती है, सो एंट्री कर ली। एंड धूप बहुत तेज़ हो रही है, कुछ भी देखते नहीं बन रहा है। एंड हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, जल्दी 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 इन्होंने ड्राइव करके पहुंचा दिया टाइम पे। 15-20 मिनट और करने मिलते हैं। हाँ देखा जाए तो एक धूप ना इतनी तेज हो रही ना। मम्मी पापा को दिखाने के लिए ये सामने दिख रहा है, ये इंडिया का पार्ट दिख रहा है। एंड अभी उसके अंदर जाएंगे तो अंदर से ना दोनों ही दिखेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान का। एक बार मौका मिले तो इस जगह पे जरूर आना ये परेड देखने के लिए। और हम लोग एकदम सेंटर में बैठे हुए थे तो सामने में दिख रहा है पाकिस्तान, इस तरफ जो दिख रहा है वो है इंडिया। और परेड भी स्टार्ट हो गई और पूरा स्टेडियम एकदम चकाचक भर गया, लोगों के अंदर इतनी देशभक्ति पैदा हो जाती है ना कि बहुत अच्छा लगता है, सब लोग नारेबाजी करते हैं। और अभी शाम के टाइम में ना फ्लैग उतार रहे हैं, सुबह चढ़ाते हैं शाम को उतारते हैं, और यहाँ पर परेड फिर फ्लैग उतारने के बाद कम्प्लीट हो जाती है। इतनी गर्मी, और जस्ट हम ऐसे बैठे थे ना सूरज के सामने, पूरा पसीने से टप 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 हो रहे थे। एंड ये तो पूरे ही पसीने से गीले हो गए, एंड हालत देखो कितनी ज़्यादा खराब हो गई। सारे लोग नहा चुके हैं एकदम। ये क्या है? सो अभी परेड देखने के बाद हम लोग आ गए हैं म्यूजियम के अंदर, म्यूजियम घूम रहे हैं। ओरिजिनल गन ये देखो लाइन से। ओ ये तो आपसे भी बड़ी गन है। सिद्धांश ने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गन्स देख ली है ना। बैठो आ जाओ कम। एक मिनट इधर आओ, दिखाता हूँ मैं कुछ जो वो बताया, समझ में आया? हाँ, ये पूरा इंडिया ही है ना, वो जो दूर वाइट कलर का है ना उसके इस साइड है पाकिस्तान का। हाँ ये पूरा इंडिया ही है, ये भी इंडिया ही है। बाबू आपने लाइट देखी फ्लैग के कलर की है? जाते होंगे परमिशन लेके जाते होंगे जैसे आप लोग उधर से आए ना। हाँ गेट है अच्छा, उस साइड सिक्योरिटी के साथ में आता है, सिक्योरिटी के साथ जैसे आपको चारों तरफ से सिक्योरिटी दे गया है ना। अच्छा ये जो किस के खेत हम पाकिस्तान में अपने इंडिया के। अच्छा लाइट, अच्छा वो लाइट जो दिख रही है इंडिया की करंट थोड़ा जा चुका है, इसकी करंट होता है ना रात में, कौन दिन करंट होता है, कोई बंदा सच करेगा तो करंट लग जाएगा। ये नया बनाई, ये पूरी पता है ये पूरा रिनोवेट किया, ये मार्केट है गोल्डन टेम्पल के बाहर का, ये देख रहे हैं ऊपर जाने का वापस ही है। हम लोग अभी आए हुए हैं बाघा बॉर्डर घूम के, एंड अब शाम का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 9, तो अभी हम लोग पहुँचे अमृतसर, और अमृतसर में आए हुए हम गोल्डन टेम्पल घूमने के लिए। तो साथ में मम्मी पापा ये मैं रुद्रांश, हम 5 लोग आए हुए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, सामने में दिख रहा है हमें गोल्डन टेम्पल। हाँ सामने,
तो सामने में हम लोगों को दिख रहा है गोल्डन टेम्पल, अंदर चलते हैं। ये देखो इन्होंने अपना सर बांध लिया है, मैं मेरे पास चुन्नी है तो इससे सर ढक लूँगी क्योंकि यहाँ बिना सर ढके अंदर एंट्री नहीं मिलती है। अंदर चलते हैं और अंदर दर्शन करते हैं और आप सबको भी हम दर्शन करवाते हैं घर बैठे बैठे। कुछ बोलना चाहोगे? चलो चलो दर्शन करते हैं और देखते हैं रात का जो व्यू रहता है ना वो इतना शानदार होता है, इतना शानदार होता है, बाकी कैमरे में पता नहीं कितना आ पाएगा बट बहुत अच्छा लगता है। चलो अंदर चलते हैं, वहीं दिखाते हैं। जूते दे दिए? नहीं, तो पहले तो हम लोग अपने जूता चप्पल यहाँ जमा करवाएंगे। गाड़ी हम पार्किंग में लगा के आए हैं एंड अभी जूते चप्पल यहाँ रखेंगे एंड उसके बाद फिर चलेंगे हम अंदर। इतना सुंदर ये टेंपल रात के टाइम पे लगता है, उतना ही सुंदर ये दिन के टाइम पे लगता है, बट हम लोगों ने दिन में नहीं देख पाया, रात के टाइम पे आए और हम लोगों ने यहाँ दर्शन किए। दर्शन मतलब बाहर से ही घूमा, अंदर नहीं जा पाए और यहाँ पे देखिए गुरु ग्रंथ को अंदर लेके जा रहे तो हमारे बाहर ही दर्शन हो गए हैं। टेम्पल 10 बजे के बाद ना बंद हो जाता है तो अंदर एंट्री नहीं मिलती है और काफ़ी सुकून मिलता है इस मंदिर पे आके। तो आप लाइफ में एक बार ज़रूर आएँ इस मंदिर पे घूमने के लिए और अपनी फैमिली को भी साथ में लेकर आएँ। तो अभी हम लोग निकल आए मंदिर से एंड मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है और मतलब अंदर ज़्यादा अलाउ नहीं था वीडियो बनाना तो मैंने इसलिए नहीं बनाया, ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है। लंगर भी खाया बट यमी यमी था। ये बाहर निकलते से ही ना ये बाहर शनिदेव का मंदिर है। 50 का है दर्शन, मतलब हम अंदर नहीं जा पाए क्योंकि हम काफी लेट हो गए थे। तो अंदर जो जाते हैं ना गुरु ग्रंथ के पास तो जो मेन मंदिर है मतलब अंदर नहीं जा पाए हम, बाहर से घूम के आ गए हैं। हमारे ज्यादा अच्छे से दर्शन तो नहीं हो पाए, बस मंदिर के चारों तरफ हमने घूम लिया था एंड लंगर खा के फिर आ गए हैं। इसको टॉय दिलाया है क्योंकि टॉय बच्चे है ना, टॉय देख के जिद करते हैं। चलते हैं हम लोग जलंधर के लिए एंड देखते हैं आगे कुछ मिलता है तो थोड़ा बहुत कुछ खरीदेंगे क्योंकि लाइन से यहाँ पे दुकानें हैं और अभी टाइम 11 कुछ बज रहे हैं और अभी भी मतलब काफ़ी चहल पहल है यहाँ पे। बहुत सारी कुल्फी की दुकान, कुल्फी खानी है क्या? अभी चलते हैं जलंधर की तरफ अमन के पास। आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।